मर्यादा क्या है, संस्कार और गैर संस्कारिक मस्ती के अंतर को समझते हैं। गैर संस्कारिक मस्ती होती है वो कानून और भवनपा के थाने पे ले जाती है, और जो संस्कारिक मस्ती होती है वो जीवन में छोटी छोटी यादों के साथ एक आनंद देती है। तो मैं मानता हूँ कि इसको संस्कारों से जोड़ना चाहिए, और कॉलेज में उस भावना का कि हम कैंपस में हैं तो उसके प्रति अपने दायित्व को हम सबको समझना चाहिए। ये युग जो आईटी का युग आया, फेसबुक और ईमेल और व्हाट्सएप का युग आया, इसने कई अच्छाइयाँ भी दी, कई कुरीतियाँ भी दी। तो मैं मानता हूँ कि इन दोनों को भी हमें क्लब करने की आवश्यकता है, कि उसकी आवश्यकता कितनी है, आईटी के पार्ट की पॉजिटिविटी कितनी है, नेगेटिविटी कितनी है। तो नेगेटिविटी को हम आत्मसात करें, ये विचार खुद को करना पड़ता है, परिवार को करना पड़ता है। इसमें शिक्षक और टीचर की भूमिका होती है, पर पहले परिवार के साथ मैं मानता हूँ सामाजिक सरोकार की एक अति महत्व आवश्यकता है। तो उसको भी हम सबको जीना चाहिए, और एक दूसरे को, बच्चों को भी इससे इंस्पायर्ड होना चाहिए कि ये गलत है और ये सही है, इसका आकलन होना चाहिए। ये आवश्यक है, प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। महात्मा गांधी का देश है, जिन्होंने भगवान राम को, ईश्वर को, सत्य को, अहिंसा को, इस देश के प्रति आस्था को, सर्वधर्म संभाव को, और मैं समझता हूँ कि पूरा मिला जुला एक ऐसा प्रोसेस दिया कि जो विश्व ने आत्मसात किया। तो हम उसी देश के हैं, तो कोई कमी होती है तो समय भी अपने आप सुधारता है। कुछ कमी है तो बच्चे अपने आप, जो आज कमी है वो कल सुधरेगी भी। तो इन सब बातों को लेकर हमारे सामाजिक सरोकार का ध्यान रखते हुए शिक्षा मिलेगी तो संस्कार अपने आप आएंगे, ये भी एक भावना होती है, और इसके लिए हम सब चिंतित हैं। आपको भी आज के हर दिशा में कुछ न कुछ आज कमी आई है। ये भी सही है कि जहाँ तक युवा देखता है, ये देश हमारा गुरु शिष्य परंपरा का देश है। यहाँ ईश्वर के रूप में गुरु और गोविंद हो खड़े तो काके लागो पाए, तो पहले गुरु के पैर छुए जाते हैं। उसी तरीके से शिष्य की भी एक परंपरा होती है, शिष्यों को प्रति गुरुओं की भी ऐसी आस्था आती है। ये ऐसा ही एक उनको पूर्ण शिक्षा देने की भक्ति के रूप में वो अपनी सेवाएं देते हैं। कहीं कहीं समाज के हर वर्ग में थोड़ी थोड़ी कमी आई है। मैं मानता हूँ कि सार्वजनिक जीवन हम लोग जीते हैं तो हमें भी लोग देखते हैं, समाज देखता है, बच्चे देखते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले जनप्रतिनिधियों को देखते हैं, ब्यूरोक्रेट्स को देखते हैं, हम प्रोफेसर्स जितने भी टीचर्स होते हैं उनकी भी गतिविधियों को बच्चे देखते हैं, और उसी आधार पर फिर आने वाले भविष्य को अपने तलाशते हैं। तो मैं मानता हूँ कि पहली तो परिवार एक इकाई होता है संस्कार देने की, माता पिता और आसपास का उसका सामाजिक वातावरण एक इकाई होता है संस्कार देने की, उसके बाद स्कूल और विद्यालय और महाविद्यालय होते हैं। पर सबसे महत्वपूर्ण है कि समाज में जो घटित होता है और उन घटित होती हुई घटनाओं से जो एक मैसेज जाता है उससे भी बच्चों पर प्रभाव पड़ता है। पर मेरा ये भी मानना है कि आप लोगों की जो उम्र है वो उम्र जीवन के सबसे महत्वपूर्ण